खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बीती रविवार की रात 10 बजे सिद्धार्थ उर्फ गुडलक सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी गजेंद्रपट्टी भदौरा का उनके घर के समीप बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह विगत 6 माह पूर्व मृतक सिद्धार्थ उर्फ गुडलक के पिता का सरकारी खाद्यान्न कोटे की दुकान थी, जिसे लेकर गाँव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा था कि लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए अनिल के कोटे का निरस्तीकरण तक करवा दिया था। पिछले 6 माह से इनका कोटा निरस्त पड़ा है, जिसे लेकर गांव में गुडलक के परिवार तथा अन्य लोगों के बीच रंजिश चल रही है। मृतक के पिता अनिल सिंह ने बताया कि मेरा भतीजा शुभम सिंह आया और बताया कि गुडलक सिंह को कुछ लोग बुला रहे। यह सुनकर गुडलक, शुभम तथा मैं तीनों लोग बताए गए स्थान पर पहुंचे। यहां पहले से ही घात लगाकर बैठे लोगों ने पहुंचते ही गुडलक के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से गुडलक तुरंत गिर पड़े तथा गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए। शोरशराबा और अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से गुडलक को अतरौलिया स्थित एक निजी हॉस्पिटल ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे अतरौलिया थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता तत्काल हरकत में आए और शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि गुडलक सिंह अपनी दो बहनों के बीच इकलौता पुत्र था, जिनका 30 मई को तिलक था तथा 5 जून को आजमगढ़ के जीनपुर थाना अंतर्गत शादी तय थी तथा घर में बारात की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। गुडलक की माता लक्ष्मी देवी तथा उनके दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। तरोलिया थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ जगह जगह पुलिस टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस मामले में मृतक के पिता और उनके रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। क्या कल क्या घटना घटी थी, इसके बारे में बता दीजिए। घटी थी, लड़का घर पर था, भट्टा पर प्रोग्राम वोग्राम था, थोड़ा किसी फौजी का भट्टा उठा है। इसके बाद वहाँ फोन करके उसको बुलाए लोग, और बुलाने के बाद उनको गोली मार दिए। और लोग बुलाए थे, उनको आप जानते हैं नाम? अब वही बता रहे हैं जो कुछ और अज्ञात लोग, कुछ और अज्ञात लोग उसके साथ जो बुला करके गोली मार दिए। अब ये देखिए सरकार की मंशा कि जहाँ घोर गड्ढा है बंजर, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के घर में बोर्ड हो जा रहा है, कोई जा रहा है ना जाकर क्यों? आप क्या मांगे कि उनके ऊपर जो गोली मारा उनके ऊपर बुलडोजर चला? हाँ चढ़े, तभी दहशत फैलेगी, नहीं तो इसी तरह से आम जनता इसकी मारी जाएगी। सर, नाम सर? अनिल कुमार। क्या घटना घटी थी आपके बेटे के साथ कल रात में, ये बता दीजिए। 8-9 बजे फोन से बुलाए के उसके बाद गोली मार दी। कितने गोली मारा आपको जानकारी? पवन कुमार सिंह, सनाफ जनार्दन सिंह और सोनू सत्येंद्र सिंह और सोनू सिंह। क्या पुरानी रंजिश चल रही थी उनसे? कुछ पुरानी रंजिश कुछ नहीं है, वो कोटा कोटी का था, उसके बाद उसमें वो वही कुल मेटल लेकर अपना काम कर। ये सुनने में आया कहीं खाना खाने गए थे, खाना खाने के बाद लौट के आ रहे थे तब गोली मारी। फोन से बुलाए गए थे। लास्ट कॉल फोन बुलाया था फोन से? सर अब लास्ट कॉल मोबाइल ना मिले ले, बनमास मार के मोबाइल भी लेके निकल गए। कहाँ कहाँ गोली लगी सर जानकारी? एक गोली खाली यही लगे सिर में बस। तो कल रात में आपके साथ क्या प्रशासन ने क्या किया, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ प्रशासन ने अभी दो एक लोगों को लिया, अभी कुछ तक नहीं। रात्रि लगभग 9:45 बजे ग्राम भदौरा थाना अतरौलिया में मोहल्ले के लड़कों में आपस में कहा सुनी होने के उपरांत गुडलक सिंह नामक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। तात्कालिक कारण खाना खाने के स्थान पर तेजी से मोटरसाइकिल ले जाने के उपरांत उत्पन्न विवाद बताया गया है। पुलिस सत्यता जानने के लिए गहनता से पूछताछ कर रही है। इस प्रकरण में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा।